हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन पार्ट टू। तो इंट्रोडक्शन पार्ट टू में देखो क्या देखने वाले हैं हम। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं आपके लिए, और 8.2 के लिए जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम आपको पहले समझाएंगे, उसके एग्जांपल भी आपको कराएंगे, जिससे आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी 8.2। तो देखो मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखी है, ये टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करो चाहे समझो जैसे भी करो आपको आनी ही चाहिए, इसके बगैर आप इसके क्वेश्चन नहीं कर सकते जो भी 8.2 में आएंगे। देखो मैंने ड्रॉ तो बना तो रखी है नीट एंड क्लीन आपके लिए, आपको दिख भी रहा होगा, बट मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ये हमारा कहां से आया है। टेबल लर्न नहीं कराऊंगा मैं आपको, टेबल बनी कैसे वो मैं आपको मेथड बताने वाला हूं। देखो अब हमारे पास जो प्रीवियस जो हमारी एक्सरसाइज थी 8.1, उसमें हमने रेशो फाइंड करना सिखा है हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 ही होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। थीटा की जगह कभी एंगल ए बी सी पी क्यू आर अल्फाबेट आ सकता है, थीटा एंगल है यहाँ। तो थीटा जो एंगल है यहाँ डिग्री में है, डिग्री में है, तो डिग्री में कुछ अगर साइन 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, अगर साइन 30 डिग्री लिखा कभी तो 1/2 लिख देंगे हम, उसकी जगह रेशो हम फाइंड नहीं करेंगे उस केस में। बस इतना ही हमारा ये टेबल में बताएगा। अब देखो बस अब आपको क्या करना है, जो हमारे प्रीवियस जो फॉर्मूले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 1/cosec थीटा, ये फॉर्मूला था हमारा, एंड कॉस थीटा का क्या था, 1/sec थीटा था, एंड टेन थीटा का क्या था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूले थे, कॉस थीटा एंड 1/cot थीटा भी हम इसको कह सकते थे, हमने आपको लिखवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में ये सब चीजें। ऐसे हमारा cot theta इज इक्वल टू cos theta अपॉन sin theta, ये सब हमारा था, 1/tan theta भी हम इसको बोल सकते हैं, इस टाइप से फॉर्मूले थे। अब हमारा sec theta मींस देखो sec theta हमारा यहीं से निकलता है, sec theta इज इक्वल टू 1/cos theta एंड sin theta इज cosec रह गया, cosec theta इज इक्वल टू 1/sin theta, ये हमारे पास सारे फॉर्मूले थे। देखो ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाऊंगा। अब इसमें देखो एक दो चीजें ध्यान रखने वाली बात है, बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, लर्न तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ताकि आपकी टेंथ है, एक दो चीजें तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको सारी चीजें मेंशन करा दूंगा, या आप टेबल देखते ही साथ बना लोगे अगर एक चीज लर्न कर ली। देखो बस आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न कर लेना, मेरे हिसाब से साइन थीटा की अगर वैल्यू आपको लर्न हो जाती है, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लर्न कर लेते हो तो पूरी टेबल आप बना सकते हो, बहुत इजीली तरीके से पूरी टेबल आप बना सकते हो। तो देखो आप साइन थीटा की वैल्यू आप लर्न करोगे जैसे कि मैंने कहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू लर्न हो जाएगी, बट ये पूरी कैसे कंप्लीट होगी टेबल ये मैं आप सिखाने वाला हूँ। देखो साइन थीटा जब हम कर लेते हैं, साइन थीटा हमने लर्न कर लिया, बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा का अपोजिट कर दो कोस थीटा, सिंपल सा, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बिल्कुल अपोजिट ले लो, एंड टू स्टार्ट कर दो कोस थीटा में, 1√3/2, अब मिडल का तो मिडल ही रहेगा, एंड 1/2 ये वाला आ जाएगा अपोजिट में, एंड 0, बस अपोजिट हो गया। जैसे कि मैंने बोला साइन थीटा लर्न हो जाएगा तो सारी टेबल बनाऊंगा मैं, तो ये आप बना दोगे, सेकंड वाला भी कोस थीटा भी हमारे पास आ जाएगा। अगर आपसे साइन थीटा 60 पूछ लिया, साइन थीटा 60 हमारा क्या होता है, √3/2 ऐसी, अभी इसका अपोजिट कहां जाएगा, 30 पे आ गया √3/2, तो बिल्कुल आपको लर्न हो जाएगा। साइन थीटा अगर लर्न रहेगा तो कोस थीटा भी आपको याद आ जाएगा, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो टेबल बना सकते हो तुरंत। आता है हमारी टेन थीटा की बारी। अब टेन थीटा कैसे आएगा, टेन थीटा की हमारे पास वैल्यू है देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, टेन जीरो डिग्री पे हम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, साइन जीरो डिग्री एंड कॉस जीरो डिग्री, अगर हमारे पास कोट की वैल्यू है तो वो भी रख सकते हैं। जीरो डिग्री पे क्या है ये दोनों वैल्यू, देखो 0/1 का केस क्या होता है, 0/1 मींस 0। देखो अब मैं एक चीज बताऊंगा नोट में, ये जो आपको जो लर्न रखना है, ये अगर कभी ऊपर 0 आ जाए, मैं क्या बोला फ्रैक्शन में कभी हमारा न्यूमरेटर 0 आ जाए, न्यूमरेटर अपॉन समथिंग कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 100 हो, कुछ भी हो, तो इसका आंसर होता है हमारा 0, एक चीज ये। अब आ जाता है हमारा ऊपर रेंडमली कुछ भी हो, फ्रैक्शन में 1 ले लिया और नीचे 0 आ गया, बस अगर डिनोमिनेटर में कभी 0 आ जाता है तो
तो उसका आंसर हमारा हो जाता है इनफाइनाइट, मतलब हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का सिंबल होता है, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इसे हम, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, तो हमारा ये सिंबल होता है। अगर डिनोमिनेटर में कभी जीरो आ जाए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का पार्ट बता रहा हूं, फ्रैक्शन में अगर जीरो आ जाए डिनोमिनेटर में, उसका आंसर नॉट डिफाइन होता है, मींस इनफाइनाइट। अगर ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो है डिनोमिनेटर में, समथिंग कुछ भी हो, 100 200 1 2 3 4 रैंडमली कुछ भी नंबर हो, तो उसका आंसर जीरो हो जाता है। या दो चीज आप याद रखना यहां से, ये चीज। अब देखो आप टेन थीटा की आप बन जाएगी, देखो अभी ये बना के दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें, ये फॉर्मूले आपने लिख रखे हैं, कोई बात नहीं मैं इरेज कर रहा हूं, ये फॉर्मूले आपने लिख रखे हैं, हमने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूले सब लिखवाए हैं। देखो अब ये वैल्यू कैसे आई है, ये कैसे आई है, साइन 30 एंड कोस अपॉन 30, तो इसका मतलब 1/2 अपॉन √3/2, ये हो जाएगा हमारा 10/30 मींस साइन 30 अपॉन कोस 30, तो रख दिया हमने वैल्यू, तो मींस 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हुआ 2/√3, तो मींस 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर 1/√3 जैसे कि हमारा है। तो इस टाइप से हमारी 10 की वैल्यू बन जाएगी। जब हम यहां आएंगे तो 10 90 क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 90, साइन 90 पे 0 एंड कॉस 90 पे 1, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ये आप उल्टा हो गया, साइन 90 पे हमारा 1 है एंड कॉस 90 पे 0, तो इस हिसाब से हमारा नॉट डिफाइंड, जैसे कि मैंने बोला नोट में नीचे चल के, तो ये आप बना लोगे। देखो इसी टाइप से आपको ये पूरी टेबल बनानी है, आपको आशा करते आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारा 10 बड़ी इजीली से बन जाएगा। अब आते हैं हमारे कोट की टर्म, कोट भी हम बना सकते हैं, कोस अपॉन साइन, और कोस और साइन की हमारे पास वैल्यू रहेगी हमेशा माइंड में, अगर नहीं है कोस और साइन की, 10 की दे दी तो 1/10 कर दो, आप 1/10 कर दो, तो इससे हमारी कोट की भी बड़ी इजी से आ जाएगी। आप बना के देखना तसल्ली से बैठ के, जैसे कि मैंने आपको बताया sec थीटा की, अब sec थीटा मींस क्या होता है, sec थीटा मैंने बताया था आपको, sec थीटा 1/cos थीटा, तो ये कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो मींस देखो sec थीटा इज इक्वल टू, जब 0 पे हम निकालेंगे sec थीटा की, तो 0 पे निकालेंगे, cos की वैल्यू जरूरत पड़ेगी 1/0, तो इसका आंसर तो हमारा नॉट डिफाइंड, जैसे कि हमारा नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा, बट देख लेते हैं फिर भी। देखो अब हम sec थीटा की निकाल रहे हैं, sec थीटा मींस 1/ तो करना है cos थीटा, 1/cos थीटा की वैल्यू हमारी ये है 1, तो इसका मतलब आंसर 1, देखो 1/1 मींस 1, तो वो 0 यहां से देख लिया था हमने। अब इसकी निकालेंगे sec थीटा पे, sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा मींस sec 30 इज इक्वल टू 1/cos 30, 1/cos 30 क्या है, 1/cos 30 √3/2, तो मींस जब रेसिप्रोकल होएगा तो 2/√3, तो यही इसका आंसर होएगा, देखो यही आ रहा है, ऐसे ही आएगा, फिर वो भी आएगा, देखो इसको भी निकाल के दिखाते हैं, sec थीटा, sec थीटा मींस 45 पे हमारा cos 45 रखा जाएगा 1/√2, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 1 √2/1, तो 1 √2/1, तो मींस √2, इस टाइप से हो जाएगा ये, तो √2 आ रहा है, ऐसे ही 2 आएगा, फिर नॉट डिफाइंड भी वही आ रहा है, और बिल्कुल sec का अपोजिट हो जाएगा ये वाला cosec, आप निकाल भी सकते हो 1/sin से भी निकाल सकते हो, और अपोजिट भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, बस मैं क्या कह रहा हूँ साइन का आप लर्न कर लो, बाकी सारा बन जाएगा, अगर आपको थोड़ा फोकस रखोगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप टेबल बना लोगे, तो ये टेबल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं इसके बाद आपको एग्जांपल कराऊंगा, टेबल आप बनानी सीखना, लर्न कभी मत करना, लर्न मैंने एक ही चीज करने के लिए बोली है आपको, फॉर्मूले जो हमारे पास रेशो वाले फॉर्मूले हैं उसी से हमारी टेबल बन रही है, हेल्प कर रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी आप साइन थीटा की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, साइन थीटा की लर्न हो जाती है तो आप पूरी टेबल बना सकते हो, अगर फॉर्मूले आपको क्लेरिफाई अगर आप देखोगे ना फॉर्मूले को, तो आप टेबल बड़ी आसानी से बनाओगे, बिल्कुल करेक्ट बनेगी टेबल आपकी, जरा सा भी आपको एरर नहीं मिलेगा अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से मेंशन करते हो अपने इन टेबल में। बाकी आज के लिए इतना ही, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 था, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे 8.2 के एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 होगा, 5 हमारे एग्जाम्पल 8.1 में थे, बाकी 6 एग्जाम्पल कराते हैं आपको बहुत जल्द, धन्यवाद।